कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए आईजी विवेक राज सिंह 100 किलोमीटर साइकिल चलाकर छतरपुर से टीकमगढ़ पहुंचे। उन्होंने कहा अपराधों पर लगाम लगे यह उनकी प्राथमिकता है। छतरपुर रेंज डीआईजी विवेक राज सिंह छतरपुर से टीकमगढ़ साइकिल से 100 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचे। लगभग 5 घंटे में उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। उन्होंने बताया कि धीमे चलकर लॉ एंड ऑर्डर को तरीके से देखा जा सकता है। हम लोग अधिकतर तेजी से कारों में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन जब साइकिल से यात्रा करते हैं उस दौरान बहुत सी चीजें हैं जो समझ में आती हैं, और जो मुख्य समस्याएं कानून व्यवस्था की हैं उसको कैसे नियंत्रित किया जाए यह समझ में आता है। जब उनसे टीकमगढ़ शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाएगा और किसी भी कीमत पर ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा, और जो हालिया घटना घटी है उनकी जानकारी लेकर उचित कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बेसिकली जब हम गाड़ी से आते हैं और बहुत तीव्र गति से क्षेत्र से निकल जाते हैं, तो जब हम धीमी गति से आते हैं हम ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ की भूगोल को जान पाते हैं, और जब हम भूगोल को जानेंगे जनसंख्या को जानेंगे तभी हम बेहतर तरीके से विधि व्यवस्था संधारण में अपराध नियंत्रण में और अपराध के डिटेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर पाएंगे। इस हेतु धीमी गति से आने में हम गांव को पहचान पाते हैं कि क्या क्या रास्ते होते हैं वो देख पाते हैं, इसलिए मैंने आज सोचा कि आज ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में ये कवर कर ले करके ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाऊँ। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।